शहर में प्रदूषण की काफ़ी भयानक स्थिति हो गई है और जो इसका जो मानक है वो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गया है, जिससे कि आम जीवन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाने में मास्क लगाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल रही है। ललित जी, वाराणसी में देखा जाए तो पॉल्यूशन की मात्रा क्या लग रहा है आपको? पॉल्यूशन की मात्रा हमारे यहाँ बहुत अधिक ही है, क्योंकि जितने भी डेवलपर के काम चल रहे हैं, जो खुदाइयाँ हो रही हैं, उसकी धूल उड़ रहे हैं, उसके बाद नगर निगम की ओर जो कूड़ा डंप किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे शहर में उसमें आग लगाई जा रही है, तो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। शहर में व्हीकल्स की संख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है, हर दिन आप अगर RTO से पता करें तो कम से कम 100 गाड़ियाँ तो डेली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उनकी भी जो शहर में एक गैदरिंग हो रही है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए हद तक जिम्मेदार भी है। अभी दोपहर का समय है, आपको क्या लग रहा है, धुंध है यहाँ पर? बिल्कुल धुंध है, सुबह में आप उठ के देखेंगे तो धुंध मिलेगा, दोपहर में देखेंगे धुंध मिलेगा, शाम ढलते ही आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे तो धुंध की जो संख्या है वो और मतलब धुंध की जो एक होता है वो ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर देखेंगे। अभी जो दिवाली फेस्टिवल बीता है उसमें काफ़ी पटाखे छोड़े गए थे, काफ़ी लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया, लेकिन उसके बाद वाराणसी की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, जब ये सीज़न शुरू होता है, अगर दीपावली की बात ना भी करें, जैसे ही ये सीज़न शुरू होता है अक्टूबर मिड के बाद से, तो स्मॉग की समस्या अपने आप आने लगती है। हम देखेंगे कि अगर अक्टूबर 15 के बाद से हम लगातार देखेंगे कि एयर क्वालिटी जो है वो बैड टू वर्स होने लगती है। दीपावली की बात में और पटाखों की बात यहाँ पे जोर दे के इसलिए करना ज़रूरी है कि उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो सरकार को, प्रशासन को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं उनको कुछ स्टेप लेने चाहिए उसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि उससे जो बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को समस्या हो रही है, उसको कम किया जा सके। लेकिन बावजूद उसके पटाखे जो है उसमें एडअप करते हैं, अपने जो बारूद छोड़े जा रहे हैं वो हवाओं में स्मॉग के कारण वो छट नहीं पाते हैं और मनुष्य के सांस के काफ़ी करीब रहते हैं, जिससे वो स्थिति को और ज़्यादा गंभीर कर देते हैं। आप अगर आंकड़े देखें, हम लोगों ने 20 जगहों के आंकड़े लिए हैं शहर में कि क्या स्थिति थी, आप देखेंगे कि जो चीज़ 60 तक होनी चाहिए PM2.5 वो 504 है, 402 है, मतलब बिल्कुल ही हैजार्डस स्थिति में है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी वो बीमार कर सकती है, इस स्थिति में है। ऐसे में हम लोगों ने पढ़ा कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं फूटने चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी होता हुआ दिखा नहीं, लोग पटाखे खरीद भी रहे थे 10 बजे के बाद और बजा भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया कि पटाखे नहीं फूटने हैं या ग्रीन पटाखों से दीपावली मनानी है, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि शायद इसको इसकी बात करके हम थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं अपने शहर में। लेकिन तीसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही अजीब सा निर्णय लिया, मतलब शहरों को ही बांट दिया। WHO कहता है कि उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं जो प्रदूषण की जद में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नहीं, ये फैसला सिर्फ दिल्ली NCR के लिए है, यानी बाकी शहर जो प्रदूषण की जद में है उसको उन्होंने किनारे कर दिया।